रिलेशनशिप के शुरुआत में हम पार्टनर से इतने अच्छे से बातचीत करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमारी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है, लेकिन समय के साथ पार्टनर से बातचीत करते वक्त कुछ हम ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। हम परेशान रहने लगते हैं, पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, पार्टनर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। उस सिचुएशन में हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम फिर से अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर से कैसे सही तरीके से पार्टनर से बातचीत करके पार्टनर का अटेंशन अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिस वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले एक बात को आप समझो, क्या होता है ना, जब भी हम पार्टनर से बात करते हैं तो कई बार अच्छी बातें भी होती है और कई बार बुरी बातें भी होती है, कई बार फाइट्स भी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर आप लड़ने लगते हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हमें हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे रिलेशनशिप में फ़ाइट्स ही ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रिलेशनशिप में फ़ाइट्स होती ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर रिलेशनशिप में फ़ाइट्स भी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, तब भी हम हमारे वैल्यू को कैसे बचा कर रख सकते हैं, तब भी हम कैसे हमारी वैल्यू को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अब बेसिकली ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना, पार्टनर का मूड उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए कई बार पार्टनर हमसे गलत तरीके से बात करता है, कई बार हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि एक समय पर पार्टनर हमसे इतना प्यार करता था, लेकिन आज पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या होता है? क्योंकि जब भी वो हमसे गलत तरीके से बात करते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं और कई बार हम उनके सामने भी गलत बन जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मॉर्निंग में उन्होंने आपको कॉल किया, अब जब आपकी और उनकी कॉल पर बात हो रही है, शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी बात हुई, लेकिन बाद में कोई एक बात के वजह से आपके और उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई हो रही है, फाइट्स हो रही है। अब उस वक्त क्या होता है ना, हम उन्हें ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम उन्हें समझाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वजह से कई बार वो फाइट और ज़्यादा बढ़ते चले जाती है, और फिर फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लास्ट में या तो वो फ़ोन कट कर देते हैं या फिर आप कट कर देते हो, यानी कि आपके बीच में लड़ाई हो चुकी है। अब यहाँ पे समझदारी कहाँ पे है? समझदारी इस बात में है कि जब भी आप ये देखो कि पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, या पार्टनर किसी एक बात पर लड़ाई कर रहा है और आप उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि पहले आप उन्हें समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करो, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, देन आप उनसे उस वक्त के लिए दूर हो जाओ, ये समझदारी है। अगर वो फाइट कर रहे हैं, आप भी फाइट करोगे, ये समझदारी नहीं है। वो गलत बोलते रहेंगे और आप उनकी बातें सुनते रहोगे, ये भी समझदारी नहीं है। आपको बस क्या करना है, जैसे वो गलत तरीके से बात करे, तुरंत उस वक्त उनसे आपको दूर हो जाना है। अब आप कहोगे, नहीं नहीं हमारा पार्टनर ऐसा नहीं है, फाइट के बाद तो हमारा पार्टनर हमें कॉल करता ही नहीं है, फाइट होने के बाद पार्टनर हमसे तो बात करता ही नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पूरे तरीके से पार्टनर के साथ फाइट होने देते हैं और फिर बिल्कुल लास्ट में हम उनसे दूर होते हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि पार्टनर का कॉल आएगा। नहीं आएगा पार्टनर का कॉल, क्योंकि पार्टनर ने वो सारी बातें आपको सुना दी है जो उनके मन में चल रही है। लेकिन अगर आप फाइट होने के शुरुआत में ही उनसे दूर हो जाते हो ना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब बातें जानने की वो कोशिश करते हैं। इसीलिए वो आगे से कई बार कांटेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो आगे से कांटेक्ट कब करेंगे, जब आप फाइट शुरू होते ही उनसे दूर हो जाओगे। फाइट होने ही मत दो, अपने आप को गलत बनाओ मत, वो निगेटिव बातें कर रहे हैं, वो गलत बातें कर रहे हैं, वो गुस्सा दिखा रहे हैं, उस वक्त उनके सामने रहो ही मत, दूर हो जाओ। आप ये गलती कभी मत करना कि वो गुस्सा दिखा रहे तो आप भी गुस्सा दिखाओगे, नहीं। आप अगर सही समय पर बातचीत बंद करना समझ गए, गलत तरीके से बात हो रही है, बात बंद कर दो, मत समझाओ उस वक्त,
6-7-8 घंटे तक दूर रहोगे ना, देखना उसके बाद जो आपकी बातचीत होगी ना, उसमें वो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देंगे, वो आपसे काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे तरीके से उनके सामने हो, रो रो कर उन्हें समझा रहे हो, वो तो आपकी बात समझेंगे भी नहीं। दूसरी बात, वो आपको इग्नोर करना सीख जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि पार्टनर को इग्नोर करना कभी नहीं सिखाना चाहिए। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि हमारी वैल्यू हमेशा बनी रहे। देखिए, अगर आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इच्छा हो रही है और आप चाहते हो कि आपके और पार्टनर से बातचीत हो, तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, रिलेशनशिप में कभी भी कोशिश करने से, बातचीत करने की कोशिश करने से आपकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती है। आपकी वैल्यू कब कम होती है? जब आप फोर्सफुली कोशिश करते हो। जैसे कि एग्जांपल, आपने उनको इवनिंग में कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब नो डाउट वो ये देखेंगे ज़रूर कि आपका कॉल आया था, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं या फिर एक दो बार कॉल्स करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते हैं। यानी कि उनके लाइफ में हम खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं, जिस वजह से उनकी इच्छा ही नहीं होती आपसे बात करने की, वो आप तक आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो ये चीज़ें उन्हें बड़ी पसंद आती है कि आप कितनी इच्छा है आपकी बातचीत करने की, लेकिन जब धीरे धीरे ये सब वो बातें देखते हैं ना, तो वो इरिटेट होने लगते हैं और आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। इसीलिए आपको पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन एक बार से ज़्यादा नहीं। एक बार आपने कॉल किया, नहीं उठाया, दोबारा कॉल ही मत करो। अब आप कहोगे, नहीं सर, हमारा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, वो एक बार में कॉल उठाते ही नहीं है, उन्हें हम 2-4 बार कॉल्स करेंगे तो ही वो फ़ोन उठाएंगे। ये आदत भी आपने ही उनको लगाई है, और अगर अभी तक आपने ये आदत उनको नहीं लगाई है तो लगाओ भी मत। आप ही 10 बार उनके सामने जाओगे ना, तो उनको ये पता है कि एक बार आपका कॉल आया, थोड़े टाइम में फिर से आपका कॉल आ जाएगा, फिर से आप उनसे बातचीत कर लोगे। इसीलिए वो आगे से इनिशिएट करते ही नहीं है, वो आगे से बातचीत करने की कोशिश करते ही नहीं है। आप कोशिश करोगे, एक बार ही कोशिश करोगे। दूसरी बात, इसी सिचुएशन में आप समझने की कोशिश करो कि जब आपका मूड नहीं है तब आप उनसे बात मत करो, या जब आप बिजी हो तब आप उनसे बात मत करो। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप पार्टनर को थोड़ा बहुत ये शो करते हो ना कि आपका भी मूड नहीं है अभी बात करने का, या फिर आप कोई काम में बिजी हो, इससे ये शो होता है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो। लेकिन 24 घंटे आपका मूड रहता है, 24 घंटे आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, बाद में इसी वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी के साथ, अगर उनका मूड नहीं है या फिर वो बिजी है, उस वक्त आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ, उन्हें ये बोलने का मौका ही मत दो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आज वो बिजी है, कोई काम वो कर रहा है और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि उनका ध्यान हमारे तरफ नहीं है, फिर भी हम इंटरेस्टिंग बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, वो हमसे अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल इतनी ज़्यादा कोशिश करने की वजह से या ज़बरदस्ती उस बातचीत को खींचने की वजह से वो लास्ट में खुद ही कह देते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, हम बाद में बात करते हैं, और फिर हम उदास होकर उनसे दूर हो जाते हैं, जिस वजह से वो फ्री होने के बाद भी आपको याद नहीं करते हैं। अगर आप सही समय पर उनसे दूर हो गए, तो जैसे वो फ्री होंगे ना, सबसे पहले वो आपके बारे में सोचेंगे। और ये मैं बहुत बड़ी सच्चाई आपको बता रहा हूँ, एकदम से रिलेशनशिप में बदलाव मत कर देना। ऐसा नहीं कि ये बातें आप सुन रहे हो और फिर अब सब चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। आपको धीरे धीरे मेरी बातें याद रखनी है, और जब जब आपको मौका मिला, जैसे अभी तक अगर आप 2-4 बार कॉल्स करते हो, उन्हें बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो आपसे एक बार ही करो, एक बार कॉल कर दो, फिर उनका आगे से रिस्पॉन्स आने दो। जब वो आगे से रिस्पॉन्स करेंगे तब उनसे बात करो। आप इस टाइप का जब माहौल बना लोगे ना अपने रिलेशनशिप में, तब आप देखना कि वो खुद आकर आपसे बातचीत करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये सारी बातें वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको ये बातें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। खुद को भी बिजी रखो, अगर वो भी बिजी है तो फिर उनसे बात मत करो उस वक्त के लिए। कुछ टाइम के बाद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। अगर आप इस बात को समझ जाते हो ना, देन ट्रस्ट मी, वो खुद आपसे बातचीत करेंगे। फाइट होने के बाद वो खुद आपसे आकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और ये समझना ज़रूरी है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए,
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।